प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर आरक्षण की प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है। ग्वालियर जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट अनुसूचित जाति बुजुर्ग वर्ग की महिला के खाते में आई है, जबकि साल 2015 में ये जिला पंचायत अध्यक्ष सीट ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित थी। इस पर उद्यान की मंत्री भारत सिंह कुशवाहा का बयान सामने आया है। बता दें कि उनका कहना है कि आरक्षण एक प्रक्रिया है और रोटेशन बदलते रहते हैं, चुनाव चुनाव के तरीके से लड़ा जाता है। जो भी कार्यकर्ता इसके लिए तैयार कर रहा है वो निश्चित रूप से इसको जीत कर आएंगे और आने वाले समय में वो विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन और उनको पहुंचाने का काम जिम्मेदारी के साथ करेंगे। बता दें कि पंच सरपंच जनपद और जिला पंचायत के जरिए ये सभी तक भी पहुँचेगी। आरक्षण एक प्रक्रिया है और रोटेशन बदलते रहते हैं और जो भी चुनाव है चुनाव चुनाव के तरीके से लड़ा जाता है। जो भी कार्यकर्ता इसके लिए तैयारी कर रहे हैं वो निश्चित रूप से जीत के आएंगे और आने वाले समय में वो विभिन्न प्रकार की योजनाएं केंद्र राज्य की योजनाओं को पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से लोगों तक पहुँचाने का काम हमारे छोटे छोटे जो प्रतिनिधि हैं जिनको हम गाँव का सरपंच जनपद जिला इनके माध्यम से कई योजना क्रियान्वयन होता है तो समय पर क्रियान्वयन होगा।